जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अनाम साहब की भी पौड़ियों का जाप आपां कल कीता सी, आओ अगली भी पौड़ियों का जो जाप है गुरु साहब की कृपा नाल आपां करिए। जे को सिख गुरु से ती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई जियों रह गुरनाले। गुर के चरण हिरदय त्याए, अंतर आत्मै समाले। आप छड सदा रह परणै, गुर बिन अवर न जाने कोए। कह नानक सुनो संतो, सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते वे मुख होवै, बिन सतगुर मुक्त न पावै। पावै मुक्त न होरथ कोई, पुछो बिबेकियां जाए। अनेक जूनी ब्रह्म आवै, बिन सतगुर मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी, सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुक्त न पाए। सात संगत जीओ, गुरु अमरदास जी समझा रहे हैं, भाई जे को गुर ते वे मुख होवै, जे कोई गुरु तो मुख मोड़ लेंदा है, गुरु वाला ही नहीं बनता। बिन सतगुर मुक्त न पावै, सच्चे गुरु तो बिना उन मुक्ति कदे भी नहीं मिल सकती। पावै मुक्त न होर थे कोई, किसी भी थान तो उन मुक्ति नहीं है। जिथे मर्जी वो भटकता फिरे, पुछो विवेकियां जाए। चे अनेक सियाणियां नू विद्वानां नू पुछ के देख लवो। अनेक जूनी भरम आवै, बिन सतगुरु मुक्त न पाए। जितनी मर्जी जूना च भटक भटक के आ जाए, पर सच्चे गुरु तो बिना उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। फिर गुरु साहब कोई तरीका दसो, तो गुरु अमरदास महाराज जी आखते हैं, फिर मुक्त पाए लाग चरणी, सतगुरु शब्द सुना। जो सतगुरु के चरणों में आके लगता है, सतगुरु तो शब्द की दात, नाम की दात लैंदा है, ता ही वो मुक्ति आती। आखते हैं कहे नानक विचार देखो, बिन सतगुरु मुक्त न पाए। तीजे पातशाह जी आखते हैं, भाई बेशक विचार करके देख लवो, सियाणियां नू पुछ लो, विद्वानां नू पुछ लवो कि सच्चे गुरु तो बिना मुक्ति नहीं हो सकती। फिर अगे उपाव दसदे हन कि आवो सिख सतगुरु के प्यारियो, गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। आखदे हन कि आवो हे गुरु दे सिखो, आओ मेरे प्यारियो, सच्ची बाणी गाओ। सच्ची बाणी केड़ी है? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी। आखदे ने बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी, जिहड़ी होर दुनिया की सब बाणियों तो सिरे की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी है, उहदा उच्चारण करो। जिन को नदर करम होवै, हिरदै तिनै समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जप्यो सारंग पाणी। कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। गुरु साहिब जी फरमाउंदे हन, भाई सच्चे गुरु की बाणी तो बिना होर बाणियां कच्चियां हन। बाणी तां कच्ची सतगुरु वाजों, होर कच्ची बाणी। सच्चे गुरु की बाणी तो बिना होर बाणी सारियां ही कच्चियां हन। कहिंदे कच्चे, सुणदे कच्चे, कच्चियां आँख वखाणी। भाव कि बाणी दा अर्थ कुछ हुंदा है, असी अपने आप ही उहदे अर्थ कुछ करी जाने हाँ। बाणी कुछ समझांदी, असी उहदे अर्थ कुछ करी जाने हाँ। आखदे ने हर हर नित करें रसना, कया कछु न जाणी। हुण मुखों तां हर टाइम बाणी पढ़दे हन, बाणी दा उच्चारण भी सारे करदे हन, पर बाणी जो कहिंदी है उहदे ते जे असी अमल नहीं करदे, तां फिर गुरु साहिब जी आखदे ने, भाई हर हर नित करें रसना, कया कछु न जाणी। चित जिन का हिर लिया माया, बोलन पए रवाणी। कह नानक सतगुरु वाजों, होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाऊ। शब्द रतन जित मन लागा, ए हो आ समाओ। शब्द से ती मन मिलिया, सच्चे लाया पाओ। आपे हीरा रतन आपे, जिसनू दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है, हीरा जित जड़ाओ। शिव शक्त आप उपाय, कह करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेखै, गुरमुखि सै बुझाए। तोड़े बंधन होवै, मुकत शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु आप करे, सो होवै एकस स्यों लिवलाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरित शास्त्र पुन पाप विचार दे, ततै सार न जानी। ततै सार न जानी, गुरु वाजों ततै सार न जानी। तिहीं गुणी संसार भ्रम सुता, सुत्या रहण विहाणी। गुर किरपा ते से जन जागे, जिना हर मन वसया, बोलें अमृत बाणी।
कहै नानक सो तत पाए, जिसनो आंदन हर लिव लागै जागत रहन विहानी। माता के उदर मैं प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारी है, मनहो क्यों विसारी है वडदाता, जे अगर मैं आहार पहुँचावे। आखदन भाई जिहड़ा परमात्मा माँ दे पेट विच तेरी पालना करता है, उसनों तू मनो क्यों भुलाया होया है। ये वडदाता इन्ना वड्डा उदाता है जिहड़े माँ दे पेट विच भी तैनू भोजन पहुँचाउंदा है। माँ जो कुछ भी खाँदी है उहदे विचों बच्चे नूं उहदा आहार मिलदा है, उसनों कोई दुख नहीं उह पहुँचण देंदा। उसनों क्यों पौ न सकी, जिसनों अपनी लिव लावे, अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभालीऐ। कह नानके वडदाता सो क्यों मनो विसारीऐ। सतसंग जी नूं गुरमुख नहीं पढ़ना, गुरमुख जिहदा गुरु वल मुख है, जिहड़ा गुरु दे कहे ते तुरदा है। जैसी अगन उदर मैं तैसी बाहर माया, माया अगन सब एको जेही, करतै खेल रचाया, जां तिस भाणा तां जम्मिया, परवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया, ए माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाओ दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी, जिन्हां लिव लागी तिन विचे माया पाया, हर आप अमुलक है मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए किसै विटों, रहे लोक विल लाए, ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनों सिर सौंपिया विचों आप जाए, जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए, हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पलै पाए। सतसंग जियो आनंद साहब दियां 40 पौड़ियां हन, 39 पौड़ियां दे विच शब्द नानक आउंदा है, इस 30वीं पौड़ी दे विच शब्द जिहड़ा है नानका आउंदा है। हर रास मेरी मन वणजारा, हर रास मेरी मन वणजारा, सतगुर ते रास जानी, हर हर ने जपियो जियो, लाहा खट्यो दिहाड़ी, ए दन तिना मिलिया जिन हरिया पे भाणा। कह नानक हर रास मेरी मन हुआ वणजारा, ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए होरत गीतै, जिचर हर रस पलै ना पाए, हर रस पाए पलै पिए हर रस, बौड़ ना तृष्णा लग गए आए, ए हर रस करमी पाईऐ, सतगुर मिलै जिस आए। कह नानक होर अनरस विसरे, जां हर वसै मन आए, ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी, तां तू जग में आया, हर जोत रखी तुद विच तां तू जग में आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो पाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया तां चलत हुआ चलत नदरी आया। कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी तां तू जग में आया, मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनिया, हर गाओ मंगल ने सखिए सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो, कह नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए, कह क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूरब लिखिया पाया। कह नानक ए शरीर प्रवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नित्रो मेरियो हर तुम मैं जो धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया, ए वे संसार तुम देख दे हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा, हर एक है हर बिन अवर न कोई। कह नानक नेत्रंद से सतगुर मिले दिव दृष्ट होई, ए सरवणो मेरियो साचे सुनने नो पठाई, साचे सुनने नो पठाई, शरीर लाए सुनो सतबाणी, जित सुनी मंत्र हरिया हुआ, रसना रस समाणी, सच अलख विडाणी ताकि गत कही ना जाए। कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो, साचे सुनने नो पठाए, हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पौन वजाया। सतसंग जियो इस दा उच्चारण जिहड़ा है हर दे नाल जियो दा नहीं करना, हर जियो
गुफा अंदर रख हर तो बाद स्पेस दे के विश्राम दे के फिर अगे जियो पढ़ना है। जियो तो बाद फिर विश्राम दे के गुफा पढ़ के फिर अगे पंक्ति नू पढ़ना है। हर जियो गुफा अंदर रख है वाजा पौन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी इकना दसवां द्वार दिखाया तै अनेक रूप नाओ नव निध तिस दंत न जाई पाया कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख है वाजा पौन वजाया। इत्थे फिर सतसंग जियो जिहड़ा है कह नानक हर प्यारे फिर विश्राम दे के जियो फिर विश्राम दे के गुफा अंदर रख के वाजा पौन वजाया। ये साचा सोयला सच है घर गावो गावो ता सोयला घर सच है जिथे सदा सच त्यावे सचो त्यावै जा तुद पावै गुरमुख जिना बुझावे। ये सत सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावे कह नानक सत सोहेला सच है घर गावे। आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पर पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर अभर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर अभर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। गुरु प्यारी साध संगत जीओ ये जो है आनंद साहब का जाप गुरु अमरदास महाराज तीजे पातशाह जी का उच्चारण किया होया है। 40 पौड़ियां इस आनंद साहब दियां हन। इहदे विच 40 वार जो है 39 वार नानक शब्द आउंदा है एक वारी 30वीं पौड़ी दे विच नानका शब्द आउंदा है। जिस तरह आपां गल कीती सी जपजी साहब दी जपजी साहब दे विच जो है 30 वारी नानक शब्द आउंदा है 28 वारी जो है नानक शब्द का कक्का मुक्ता है ते 2 वारी जो है नानक शब्द दे कक्के नू जिहड़ी है औंकड़ लगी है 18वीं ते 27वीं पौड़ी दे विच। इहनां गल्लां दा वी सानूं बहुत ध्यान रखना चाहीदा है। साध संगत जीओ वीडियो जे तुहानूं चंगी लगे तां इस नूं अगे वी शेयर करना ते अपना विचार जिहड़े कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दसणा ते वध तों वध जो इस वीडियो नूं शेयर करना क्योंकि गुरु साहिब ने जितनी सुमत बख्शी है आपां उसे हिसाब नाल ही उतना ही उच्चारण कर सकते हाँ क्योंकि आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पहन पहन तोहे तेती। गुरु साहिब कृपा करन सुमत बख्शन इस तरह आने वाले समय दे विच होर वीडियो आप जो गुरु साहिब की कृपा नाल तुहाडे नाल शेयर करांगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।